नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज आप लोगों के बीच मैं नए वाले हाईवे जो लखनऊ जौनपुर वाला उस भी पे हूँ, और ये चौराहा है मिसरौली मोड़, जो नया वाला मिसरौली मोड़ बना है लखनऊ जौनपुर वाले हाईवे पे। हमारे पीछे हाईवे है और इसी चौक के बारे में एक व्यूअर्स हैं, वो बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इसी रास्ते से गुजर रहे थे तो हम दिखा दें यहाँ के बारे में। आप पता नहीं इस वाले मोड़ के बारे में बोले या पुराने वाले, तो आज नया वाला और पुराना वाला पीछे है मोड़, वो दोनों मोड़ आपको दिखाएंगे जो चौक बना हुआ है। तो फटाफट वीडियो दिखाते हैं, पूरा वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने ये लखनऊ जौनपुर वाला हाईवे है, और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं वीरांगना, महान वीरांगना अहिल्याबाई होलकर स्मृति द्वार बना हुआ है, और ये हाईवे यहाँ से सामने की तरफ सुल्तानपुर की ओर जाता है और पीछे लखनऊ की ओर, और इसे मिसरौली मोड़ कहा जाता है क्योंकि इसके आगे मिसरौली गांव है, और ये भी आई थिंक मिसरौली गांव ही है। और यहां से मात्र सामने की तरफ 400 मीटर की दूरी पे पुराना नेशनल हाईवे 56 है, वहां पे भी मिसरौली मोड़ हुआ करता था। तो अभी के बारे में हमने आपको यहाँ के बारे में दिखाया, और आगे दिखाते हैं कि ये जो चौक है अभी जल्द बन के तैयार हुआ, और यहाँ पे भी वो मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है तो पायक बन के लोग जा रहे हैं, अभी अभी निकल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा चौक बना जिसमें प्लांट वगैरह लगे, पौधे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मिसरौली मोड़ है, जगदीशपुर क्षेत्र का एक जाना माना पहचाना जगह है, और यहाँ से कई सारे गाँव की तरफ जा सकते हैं। सामने मिसरौली होते हुए बगाही जा सकते हैं, और उधर अतरौना जा सकते हैं, और जगदरपुर जा सकते हैं, कई सारे गांव की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो बोर्ड वगैरह लगा उसके बारे में दिखाते हैं थोड़ा सा रोड साइड से, और जो भाई साहब कमेंट कर रहे थे आज उनकी इच्छा पूरी कर देंगे क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी होगा। तो ये लखनऊ जौनपुर हाईवे के सामने आप देख सकते हैं यही छोटा सा मार्केट बना हुआ है इसी रोड पर, और ये मिसरौली मोड़ है और यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे कई सारी दुकानें भी हैं, जैसे कि छोटा छोटा जो चाय के लिए होटल बना है, और क्या बोलते हैं ग्रोसरी की दुकान भी है किराना की, और ये दो चार छः दुकानें हैं, और साथ में कुछ घर मकान बने हुए इस गांव के आप देख सकते हैं ये चारों तरफ, और ये पुराना वाला रोड है। अब चलते हैं फटाफट, इसी वीडियो में आपको दूसरा वाला भी जगह दिखाएँगे जो मिसरौली का पुराना वाला चौराहा, वो भी दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो के माध्यम से बने रहे, चलते हैं दूसरे वाले चौराहे की तरफ। तो अभी हम पुराने वाले मिसरौली चौक पे आ चुके हैं जो नेशनल हाईवे 56 पे है, सामने यहाँ से जगदीशपुर 4 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये पुराना वाला हाईवे है। इस रोड पर कुछ ज़्यादा ही हरियाली नज़र आती है क्योंकि नए वाले हाईवे पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, और यहाँ से सामने मुसाफिरखाना रोड है, और जो इस साइड की मार्केट देख रहे हैं यही है मिसरौली, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है सामने जो मिसरौली गांव की तरफ जाता है, और ये मिसरौली चौराहा है, बहुत पुराना चौराहा है, और यहीं से आगे एक रास्ता गया जो आके नए वाले रोड पे मिलता है। तो ये अमेठी के जगदीशपुर का मिसरौली चौराहा है जो छोटा सा प्यारा सा चौराहा है, और नए रोड के बनते इस जो मार्केट है उसको नए रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये अभी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ग्राम गोंगेमऊ मिसरौली की तरफ का, और ये रास्ता है जो मिसरौली की तरफ जाता है। यहाँ पे पहले मार्केट हुआ करती थी, और अभी फ़िलहाल नई मार्केट की वजह से यहाँ पे कम हो गया मार्केट का जो भी होता था। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको दिखा दिया मिसरौली चौराहा, यही था मिसरौली चौराहा जो कि नए वाले मिसरौली चौराहा को भी दिखाया, और पुराने वाले भी यहाँ पे मुहर्रम चलते कुछ पायक यहाँ पे जा रहे थे और पानी पीने लगे हैं, पूरा यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत लक वाइज, और ये रहा जगदीशपुर का प्यारा सा चौराहा जो बहुत ही पुराना ऐतिहासिक चौराहा होता था मिसरौली का। तो इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।